Welcome students, how are you? I hope so you are fine. You know what, that we take our online classes. Today is our second lecture, and do you remember when we learned something good before starting our class? So today we go, hum dekhte hain ki aaj ka hamara good word ya achhi baat kya hai. Today is our golden word is always speak the truth. Aaj ka hamara khoobsurat lafz jo hai ki hamesha sach bolein. When we speak the truth, Allah is pleased with us and He is very good as reward. Jab hum sach bolte hain to Allah Taala humse bahut zyada khush ho jate hain aur wo hame ek acha sa inaam dete hain. Allah Taala ne Quran Pak mein irshad farmaya hai, Bismillahir Rahmanir Rahim, kunu ma'as sadiqin, कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ. मैं सच बोलने वालों को पसंद करता हूँ. मुझे सच्चे लोग और सच्चे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं. जब ये सच बोलते हैं तो मैं इन्हें एक अच्छा सा इनाम भी देता हूँ. ठीक है, तो इसमें दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हम हमेशा सच बोलेंगे, हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे. तो जब आप सच बोलेंगे तो अल्लाह ताला आपको एक बहुत बड़ा सा इनाम देंगे, लेकिन वो इनाम आपको अभी नहीं तब मिलेगा जब आप हमेशा सच बोलेंगे. आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे. अगर आप झूठ बोलेंगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपको वो इनाम नहीं मिलेगा. ठीक है जी, ओके. नाउ लेट्स डू द लर्न. आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश. टुडे वी विल रीड अबाउट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. आज हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वर्ड हमारा है जी एल एम एन एन. टुडे वी विल रीड अबाउट एल एम एंड एन. हम क्या पढ़ेंगे, एल एम और एन पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास है जी एल. तो एल के साथ हम वोकैबुलरी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एल हमारे पास कैसे है. हमने वन डालना है बिल्कुल सीधा और इसको इस तरह यूँ लेके आना है यहाँ तक. तो ये आपका बन जाएगा एल. एल फॉर लीव्स. एल फॉर लीव्स. लीव्स हम कहते हैं पत्तों को जो पौधों के साथ होते हैं, जो दरख्तों के साथ होते हैं, और इनकी वजह से हमें खुराक भी यानी खाना मिलता है, फ्रूट मिलता है, और ये हमें गन्नी चाव भी देते हैं. ठीक है जी. एल फॉर लैम्प. सबके घर में यकीनन लैम्प होगा. तो ये क्या है, एल फॉर लैम्प, जो हमें रोशनी देता है. एल फॉर लायन. लायन क्या है जी, ये देखें भागता हुआ आ रहा है और ये बोल रहा है कि जिस बच्चे ने मेरा नाम न याद किया मैं उस बच्चे को खा जाऊंगा. तो आपने जल्दी से याद करना है अल्फा लायन, ताकि आप इसको फौरन याद करें और ये किसी को भी ना खाए और ये आपका दोस्त बन जाए. ठीक है. अल्फा लेग्स. लेग्स क्या इस काम आती हैं जी. लेग्स हमारे चलने के काम आती हैं. हम खेलते हैं तब भी हमारी पोत हेल्प करती हैं, हम भागते हैं तब भी. तो अल्फा लेग्स. नेक्स्ट है जी एम. आफ्टर एल हमारे पास क्या है, एम. एम फॉर मून. ठीक है, जो आसमान पे रात को चमक रहा होता है बड़ा सा, वो क्या होता है, एम फॉर मून. एम फॉर मैक्रोनिस, जो आप खाते हैं, आप सबको बहुत पसंद है. ठीक है, वो एम फॉर मैग्नेट, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है. नेक्स्ट हमारे पास है जी एम फॉर मैजिक. अक्सर आपने टीवी में देखा होगा, शोज़ में आ रहा होता है कि मैजिक होने रखा है जी, सारे बच्चे तैयार हो जाओ अभी मैजिक होगा. तो वो एक आदमी आपको मैजिक दिखाता है. ठीक है, अंकल होते हैं वो आपको मैजिक दिखाते हैं. इसी तरह आज आपने भी सबको मैजिक घर में करके दिखाना है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है एन. एन फॉर नोज, आपने याद कर लिया होगा. एन फॉर नोज. एन फॉर नेल, आप सबके नेल्स हैं, फिंगर्स, हैंड फिंगर्स और फुट फिंगर्स के आपके नेल्स हैं. आपने नेल्स अपने चेक करने, अपने नेल्स को गंदा नहीं छोड़ना, आपने अपने नेल्स को साफ़ करना है, ताकि आप जो है गंदे
बीमारी से बच सकें। अगर आपके नेल्स गंदे होंगे या बड़े होंगे तो वो जो जम्स होंगे वो आपके मुंह में जाएंगे। तो आपने अपने सब बच्चों ने अपने नेल्स चेक करने हैं और उनको साफ करना है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट हमारे पास है जी नंबर्स। कल हमने कौन से नंबर्स पढ़े? हमने पढ़े नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9 एंड नंबर 10। तो कल हमने नंबर्स पढ़े थे, आज फिर मैं आपके लिए नंबर्स लेके आई हूँ ताकि आपको वो पिछला सबक भी रिवाइज हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वाला लिखा होगा और बहुत अच्छे से लिखा होगा। तो आपने लिखना है, मैं आपका चेक करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एन फॉर नट। नट, अभी तो आप बच्चे हैं, अभी आपको नट से काम नहीं करना है, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो आपका काम नट के साथ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैच द वर्ड पिक्चर्स, के एल है हमारे पास, तो हमने एल को मैच करना है इन पिक्चर्स के साथ, ठीक है। जैसे कि एल फॉर लायन, आपने इसको इसके साथ क्या करना है, मैच करना है। और एक और बात कि आपने एल एल एम एंड एन है, तो आपने इन तीनों वर्ड्स को अपनी नोटबुक पे लिखना है। और लिखना कैसे है कि आपने अपनी नोटबुक लेनी है इंग्लिश की, उसके ऊपर आपने फर्स्ट थर्ड लाइंस पे लिखना है एल एम एन एन, और आपने सीक्वेंस के साथ लिखना है, आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्यारा सा, खूबसूरत सा, अच्छा सा होना चाहिए। और ये भी आपने अपनी नोटबुक पे करना है। इसी तरह हमारे पास है जी एम, मैच द वर्ड विद पिक्चर्स, के हमने इसी वर्ड को, इस एम को हमने मैच करना है विद द पिक्चर्स, पिक्चर्स के साथ हम इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जब मैच हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने पहले भी वोकैबुलरी पढ़ी है, उसमें और लफ्ज़ थे और इसमें और लफ्ज़ आ गए हैं। इस तरह आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एन। एन के साथ भी हमें यही करना है, एन फॉर नोज, एन फॉर नेट, एन फॉर नेकलेस। तो आपने इनको मैच करना है और फिर आपने क्या करना है कि आपने इन पिक्चर्स को ट्रेस करना है, या अगर ये आपको नहीं आती तो जो एन के साथ या एम और एल के साथ पिक्चर्स बनती हैं, आप अपनी मामा से बोलें कि वो आपको ट्रेस करके दें। ट्रेस करने के बाद आपने वर्ड्स के साथ इनको मैच करना है। और अगर बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते हो, तो आपने एक और काम करना है कि आप पिक्स इकट्ठी करें, कलेक्ट करें, जहाँ कहीं से आपको मिलती हैं आप वो लें और उनको जोड़ें एल के साथ, एम के साथ और एन के साथ, ठीक है। ये एक एक किस्म की आपका होमवर्क भी हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप सो यू हैव अ गुड अंडरस्टैंड। दिस इज़ योर होम टास्क, प्रैक्टिस इट एंड लर्न इट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में खैर।